टोनी कक्कर और शहनाज का गाना। जी हाँ, इसका बेसब्री से सबको इंतजार था, जिसकी एक झलक हमने देखी नेहा कक्कर के पोस्ट में। आखिर ऐसे क्या हुआ कि नेहा कक्कर ने प्रमोट किया? वेल, सबसे पहले मैं आपको इसी सारी बातों के ऊपर जानकारी देने के लिए मौजूद हूँ, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले यही खबर कि आखिरकार नेहा कक्कर ने शहनाज गिल को किया प्रमोट। कि शहनाज गिल को इस तरीके से किया उन्होंने प्रमोट कि वो उनकी जो अपकमिंग सॉन्ग है उसकी एक झलक उन्होंने अपनी स्टोरी पे डाली, एंड वो तब डाली जब उनके उनका और टोनी कक्कर का गाना गोवा वाले बीच पे 200 मिलियन क्रॉस कर चुका। जी हाँ, और सिर्फ नेहा कक्कर नहीं, बल्कि ये अगर आप कहोगे तो देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के जो ओनर हैं उन्होंने भी अपने स्टोरी में शहनाज और टोनी कक्कर की ये वीडियो शेयर की थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो तो हमें नहीं मिली, बट हम आपको ये पोस्टर ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज, मुझे आप बताइए क्या आपने वो वीडियो देखी है? वेल, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है बैक टू बैक। मैंने अभी आपको ये कहा था कि शहनाज के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, एंड सबसे पहले वो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन डेफिनेटली उनके गाने आएंगे बाहर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए शूट नहीं कर पा रही हैं, बट गाने तो उनके ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, एंड थोड़े बहुत घर से भी क्वारंटाइन में लोगों ने किया है, जिस तरीके से हमने जस्सी गिल का गाना देखा। सो गाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं शहनाज गिल को लेके, लेकिन ये न्यूज़ आपको पहले पता थी या सबसे पहले हमने बताई, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये न्यूज़ सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो शहनाज के प्रोजेक्ट के लिए, वो भी आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।